बेटा सबके सामने अच्छे से बिहेव करो, हमेशा अपने मतलब का ही ना सोचा करो, एक नाइस गाय बन के रहो। भाई यार अपना काम बाद में कर लियो, अभी मुझे तेरी जरूरत है। बेटा खुद ही मत खा जाना सब, अपने भाई बहन के लिए भी छोड़ दे। अरे यार तू तो बड़ा है, तुझे समझना चाहिए था ना। ये कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो हमने बचपन से सुने हैं, जो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताते हैं कि अपने प्रेफरेंसेस छोड़ के एक नाइस गाय बनो। लेकिन द वे ऑफ द सुपीरियर मैन बुक के ऑथर डेविड डीडा कहते हैं कि एक पर्पसफुल कॉन्फिडेंट इंटीग्रिटी वाला इंसान नाइस मैन नहीं बल्कि सुपीरियर मैन होता है। डेविड हमें एक सुपीरियर मैन बनने के लिए कुछ क्वालिटीज बताते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वालिटी आती है सुपीरियर मैन लिव्स एज हिज फादर इज डेड। अभी सुनने में बहुत ही अजीब सा लगता है कि द वे ऑफ द सुपीरियर मैन बुक के ऑथर हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इमेजिन करो तुम्हारे फादर मर चुके हैं, क्योंकि हम सब अपने फैमिली मेंबर्स को प्यार करते हैं और ये इमेजिन करके भी इमोशनल हो जाते हैं कि उन्हें कुछ हो भी सकता है। बट डेविड इस पॉइंट में ये कहना चाहते हैं कि हमारे परिवार वालों की हमसे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए हम अपनी लाइफ को वैसे नहीं जी पाते जैसे कि हम जीना चाहते हैं। हो सकता है जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं उससे हम ज्यादा फुलफिलमेंट महसूस करें, ज्यादा क्रिएटिव बने और शायद खुद का बेस्ट वर्जन बन पाए। इसलिए अगले 3 दिनों तक कम से कम एक ऐसी एक्टिविटी करो जो हमेशा आप करना चाहते हो। सुपीरियर मैन की नेक्स्ट क्वालिटी आती है स्टॉप होपिंग फॉर योर वुमेन टू गेट इजियर। इमेजिन कीजिए कि आपका कोई फाइनेंशियल गोल था, लेट्स से मिलियनेयर बनना, और सालों की मेहनत के बाद आप उस फाइनेंशियल गोल में सक्सेसफुल हो जाते हो। आप बहुत खुश होते हो और घर में आके अपने लाइफ पार्टनर से कहते हो, पता है आज मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए। आपकी पार्टनर कहती है नाइस, आप कहते हो नाइस, बस सिर्फ नाइस, पता है इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। इस पर आपके पार्टनर कहते हैं हाँ पता है, काफी महीनों से तुम हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते हो। अच्छा ये बताओ मैंने तुम्हें मार्केट से दूध लाने को कहा था, तुम लेके आए क्या? इस पर आप कहते हो नहीं मैं भूल गया, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है, अब हमारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं, हम पूरा डेयरी फार्म ले सकते हैं। इस पर आपको जवाब मिलता है मैंने तुम्हें सुबह से 3 बार दूध लेने को कहा था, तुम्हें मैसेजेस भी किए थे, तुम भूल कैसे सकते हो। फाइनली आप कहते हो ठीक है सॉरी मैं भी लेके आता हूँ। अब डेविड कहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को इस कॉन्वर्सेशन से ऐसा लग सकता है कि शायद उनके पार्टनर उनकी सक्सेस से खुश नहीं है या फिर वो उनके सक्सेस को छोटा दिखाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेमेन हमेशा अपने पार्टनर को परफेक्ट देखना चाहती है, वो उन्हें टेस्ट करना चाहती है कि अगर वो उन्हें डिस्टर्ब कर भी दे तो भी एक सुपीरियर मैन की स्टेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अगर आप कुछ बड़ा भी अचीव कर लेते हैं तो डेविड के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर आपको टेस्ट करते रहेंगे। सुपीरियर मैन की 3rd क्वालिटी आती है पर्पस बिफोर रिलेशनशिप। द फेमस एल्केमिस्ट बुक में मेन कैरेक्टर सेंटियागो जब फातिमा से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है और सेंटियागो फातिमा से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जब तक तुम मुझे हाँ नहीं बोलोगी मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा। वैसे तो मैं पूरा रेगिस्तान पार करके इसलिए आया था ताकि मैं ट्रेजर को पा सकूं जो कि मेरी लाइफ का पर्पस है, लेकिन अब मुझे ट्रेजर नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन इस पर फातिमा कहती है नहीं मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने लाइफ गोल को छोड़ दो, तुम जाओ और अपना लाइफ गोल अचीव करो, मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूंगी। ऐसे एल्केमिस्टिक फिक्शनल स्टोरी है लेकिन इसमें पॉइंट क्लियर है कि एक सुपीरियर मैन की लाइफ का पर्पस हमारे रिलेशनशिप से पहले आना चाहिए। डेविड अपनी बुक में कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने लाइफ पर्पस और अपने रिलेशनशिप में कुछ चूज करना हो तो तुम अपना लाइफ पर्पस ही चूज करो, और ये ठीक भी है क्योंकि अगर अपने रिलेशनशिप के लिए तुम अपने लाइफ पर्पस को छोड़ देते हो तो तुम हमेशा अनसेटिस्फाइड ही रहो, इसलिए हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं रहेगा। ये बेटर है कि अगर हम अपने पार्टनर के साथ बेशक दिन के 30 मिनट ही दें लेकिन उन 30 मिनट में हमारी 100% अटेंशन उन्हीं की तरफ होनी चाहिए। प्लस कोई भी वुमेन ये नहीं चाहती कि उनका लाइफ पार्टनर पर्पस लेस रहे, एक गोल ओरिएंटेड मैन की तरफ ही सब अट्रैक्ट होते हैं। सुपीरियर मैन की नेक्स्ट क्वालिटी आती है कि स्टॉप होपिंग फॉर अ कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। डेविड अपनी बुक में कहते हैं कि मैक्सिमम आदमी यही सोचते हैं अगर मैं इतने पैसे कमा लूंगा तो मैं एक दिन एक आराम की जिंदगी गुजार सकता हूँ, एक दिन मेरी वाइफ या गर्लफ्रेंड मेरी मेहनत को समझेगी और फिर वो कंप्लेन करना बंद कर देगी, या फिर ये काम तो मैं बस अभी कुछ टाइम के लिए कर रहा हूँ, फाइनली तो मुझे लाइफ में अपने कुछ और करना है। हम ऐसे मैक्सिमम लोगों की यही गलती है कि हम इमेजिन करते हैं कि एक मोमेंट ऐसा आएगा जब हमारी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। लाइफ में कंटिन्यूस स्ट्रगल्स हैं, हैप्पीनेस है, और जो भी हम करना चाहते हैं हमें प्रेजेंट मोमेंट में ही करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी चीज की वेट मत करो और हर रोज कम से कम एक आर निकालो उन चीजों के लिए जो तुम हमेशा करना चाहते हो, चाहे फिर हमारे पास अभी कम पैसे ही क्यों ना हो, अभी हमारे रिलेशनशिप ठीक ना भी चल रहे हो, क्योंकि लाइफ को अपने स्ट्रगल्स के बावजूद एंजॉय करना ही एक सुपीरियर मैन की क्वालिटी है। सुपीरियर मैन की नेक्स्ट क्वालिटी आती है कि दे डू नॉट गेट लॉस्ट इन टास्क्स एंड ड्यूटी। डेविड कहते हैं कि आदमियों की एक हैबिट होती है और ये है कि वो हमेशा डू मोड में रहते हैं, यानी पूरे फोकस होके एक काम को करने में लग जाते हैं। आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, अगर आपसे कोई सवाल पूछता भी है तो भी आप फटाफट उसे आंसर दे देते हो और अपने काम पर लग जाते हो, इवन कि बेशक हम मोबाइल में कोई वीडियो ही क्यों ना देख रहे हो लेकिन हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। और ये डू मोड आदमियों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है
और वीकनेस भी। स्ट्रेंथ इसलिए है कि हम किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और वीकनेस इसीलिए क्योंकि हम कई बार अपनी लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए डेविड एक अच्छा तरीका बताते हैं और वो कहते हैं, इमेजिन कीजिए कि अभी आप मरने वाले हो तो पास्ट लाइफ देख के आपको क्या फीलिंग आती है, क्या आप सेटिस्फाइड हो और ये कह सकते हो कि यार मजा आ गया लाइफ में, और क्या प्राउड हो उन सब मूवमेंट्स के लिए जो आपने अपनी लाइफ में गुजारी थी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप काम में इतने फोकस थे कि काम करते करते ही लाइफ खत्म हो गई और सब कुछ चला गया। इन शॉर्ट, टास्क इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें लाइफ की बिगर पिक्चर को भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारी लाइफ के पर्पस से अलाइन भी हो रही है या नहीं। अगर नहीं तो थोड़े टाइम अपने टास्क और ड्यूटीज को छोड़ के लाइफ के मेन गोल्स पर भी फोकस करना चाहिए। अगर किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना है तो हम उसे बता सकते हैं। नेक्स्ट सुपीरियर क्वालिटी आती है, एंजॉय योर फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म। डेविड कहते हैं कि एक सुपीरियर मैन अपने दोस्तों से क्रिटिसिज्म यानी खुद की बुराइयों को एक्सेप्ट करता है, और अगर वो क्रिटिसिज्म ठीक है तो उस पर वो काम भी करता है। लेकिन एक एवरेज इंसान क्रिटिसिज्म को बहुत ही नेगेटिव वे में लेता है। उसे इस बात से दुख होने लगता है कि उसके दोस्तों ने उससे अच्छे से बात नहीं की। डेविड कहते हैं कि हर हफ्ते कम से कम एक बार अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनसे पूछो कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें हमें क्या कमियां लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, यार मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन मुझे जॉब छोड़ने से भी डर लगता है। और आपके दोस्त बोल सकते हैं, यार तू पिछले 6 महीने से यही बोल रहा है, अपना बिजनेस पार्ट टाइम स्टार्ट कर और अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो जॉब छोड़ देना, डिसीजन ले ले, बार बार रिपीट मत किया कर। अब इस सिचुएशन में रिएक्ट करने के बजाय हम एक सुपीरियर मैन की तरह कह सकते हैं, हाँ यार तुम लोग ठीक बोल रहे हो, अब हर रोज मैं कम से कम 3 आवर अपने बिजनेस को दूंगा अपनी जॉब के साथ साथ, और फिर नेक्स्ट 3 महीने में तुम लोगों को बताता हूँ कि बिजनेस में कंज्यूमर का रिस्पॉन्स कैसा है। सुपीरियर मैन की नेक्स्ट क्वालिटी आती है, डोंट यूज योर फैमिली एज एन एक्सक्यूज। एक बाप अपने बच्चे से कहता है, पढ़ाई कर लो तभी तुम कुछ बड़ा कर पाओगे, वरना मेरी तरह एक एवरेज लाइफ ही जीनी पड़ेगी। बेटा पूछता है, क्यों पापा आपने पढ़ाई नहीं की थी क्या, आप क्यों एक बड़े इंसान नहीं बन पाए। इस पर उसके डैड जवाब देते हैं, की थी, मैं बहुत मेहनती था, बहुत पढ़ाई करता था। बेटा तो फिर क्या हुआ। इस पर उसके पापा कहते हैं, फिर क्या, फिर तुम पैदा हो गए और मुझे अपने गोल्स भुलाने पड़े। डेविड कहते हैं कि एक सुपीरियर मैन कभी ये नहीं कहता कि वो अपनी फैमिली की वजह से अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाया। इन शॉर्ट, एक पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए हमें अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ खुद को भी आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सुपीरियर मैन की 7 क्वालिटीज देखी। सुपीरियर मैन बनने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को डोमिनेट करें, बल्कि ये है कि हम खुद का बेस्ट वर्जन बने, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और पर्पसफुल लाइफ जिए। तो इन 7 क्वालिटीज में सबसे पहली क्वालिटी थी, लिव एज इफ योर फादर इज डेड। इसमें ऑथर कहना चाहते हैं कि बहुत से लोग अपनी लाइफ का डिसीजन अपने फादर को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, इसीलिए खुद के पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते। इसलिए अगर कुछ टाइम हम ये सोचते हैं कि हमें कोई फैमिली प्रेशर नहीं है तो हम उन टास्क को कर सकते हैं जो हम हमेशा से करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वालिटी थी कि पर्पस बिफोर रिलेशनशिप, जिसमें हमने देखा था कि एक सुपीरियर मैन अपने पर्पस को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, और जितना भी टाइम अपने रिलेशनशिप को देगा उसकी अटेंशन 100% उन्हीं की तरफ होगी। नेक्स्ट था स्टॉप होपिंग फॉर अ कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग इन लाइफ, जिसमें हमने देखा था कि एक सुपीरियर मैन कम से कम दिन में 1 घंटा उन चीजों को देता है जो वो हमेशा करना चाहता था। लेकिन एक एवरेज मैन हमेशा ये सोचता रहता है कि शायद फ्यूचर में कोई एक ऐसा इवेंट होगा, कोई ऐसा मैजिकल मूवमेंट आएगी जब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हमने देखा था कि स्टॉप होपिंग फॉर ए वुमन टू गेट इजियर, जिसमें हमने देखा था कि ऑथर के अकॉर्डिंग वेमेन ज्यादा मोटिवेट होती हैं अपने पार्टनर को परफेक्ट देखने में और उन्हें टेस्ट करती रहती है, इवन कि जब उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट ही क्यों ना कर ली हो। तो इन सिचुएशन में गुस्सा होने के बजाय प्रैक्टिस पेशेंस एंड एंजॉय द मोमेंट। सुपीरियर मैन की नेक्स्ट क्वालिटी आती है कि डू नॉट गेट लॉस्ट इन टास्क एंड ड्यूटीज। इस पॉइंट में हमने देखा था कि मैन की क्वालिटी होती है कि वो टास्क को एग्जीक्यूट करवा पाए, लेकिन इस क्वालिटी की वजह से हमें इतना भी नहीं खो जाना चाहिए कि हम लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाएं। इसलिए हर रोज हमें कुछ टाइम देना चाहिए टास्क को एग्जीक्यूट करने में। नेक्स्ट क्वालिटी थी एंजॉय योर फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म। इसमें हमने देखा था कि एक सुपीरियर मैन अपने दोस्तों के क्रिटिसिज्म को एक फीडबैक की तरह लेता है और इंप्रूव करता रहता है, ना कि उन कमेंट से हर्ट होकर दुखी होने लगता है। नेक्स्ट हैबिट थी डोंट यूज योर फैमिली एज एन एक्सक्यूज। इसमें हमने देखा था कि एक सुपीरियर मैन अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है और उनके बावजूद अपने लाइफ के पर्पस को भी पूरा करता है, ना कि अपनी फैमिली को एक्सक्यूज बना के एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है।